प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप डिफिकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स बोल सकते हो। देखिए, कोई भी भाषा अपने आप में डिफिकल्ट नहीं होती है, सिर्फ हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते या हम अच्छी तरह से उसको समझते नहीं कि शब्द कैसे बोले जाएं। जिस समय हम ये समझ लेते हैं कि कैसे शब्द बोले जाते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से हम सीख जाते हैं। तो आज हम ये सीखते हैं हाउ टू स्पीक डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड। इसमें बहुत सी अच्छी टिप्स आपको दे सकते हैं। सबसे पहले है, कोई भी शब्द है उसको आपने लिसन करना है, लिसन के कैसे बोला जाता है। जैसे हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपने हिंदी के शब्द कैसे बोले जाते हैं ये समझना है। ऐसे इंग्लिश में अगर कोई किसी से बात करता है तो उसको लिसन करना है। आपके पास ये माइक्रोफोन हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, इससे आपको डीपली कैसे शब्द बोले जाते हैं वो उसको आप सुन सकते हो। नंबर दो पे प्रैक्टिस, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे उसके बाद उसको बार बार हमने उसको रिपीट करना है। जितनी बार हम शब्द को सही प्रोनाउंसिएशन से रिपीट करेंगे, उतना ही वो शब्द का सही उच्चारण हम कर सकते हैं। और तीसरी बात है, जो सबसे आवश्यक है, जो आपके अंदर फियर है ना, डर है कि क्या कहेंगे, उसको हमने निकालना है, उसको खत्म करना है। उसके लिए क्या है, सबसे मुश्किल शब्दों के ऊपर अपना अभ्यास कीजिए। जैसे हम आज 19 लेटर्स का एक शब्द लेते हैं, इसकी स्पेलिंग है कॉन्टेम्पोरेनियसनेस। इसका मतलब होता है समकालीनता, समकालीनता। कॉन्टेम्पोरेनियसनेस को हम समकालीनता कहते हैं। इसका मतलब है गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना पंजाब में हुए हैं, तो ये एक ही समय में हुए हैं। तो इसके लिए जो नाउन इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पोरेनियसनेस, ठीक है। तो इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, स्मॉल पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम कहेंगे कॉन्टेम्पो, कॉन्टेम्पो हिंदी में कहेंगे कौन, या हिंदी में लिखता हूं कौन, टेम्पो, टेम्पो, कॉन्टेम्पो। उसके बाद दूसरा हिस्सा ले लिया रेनियस, सेकंड पार्ट हो गया, रेनियस, रेनियस, रेनियस। और इसका थर्ड पार्ट हो गया नेस, ये थर्ड पार्ट है नेस, नेस। अगर आपने बोलना है तो इस तरीके से हमने बोलना है, कॉन्टेम्पो रेनियस नेस, ठीक है। तो आप इसको बोल लिए, ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए कॉन्टेम्पो, कॉन्टेम्पो रेनियस, रेनियस नेस, नेस, ठीक है। एक बार इसको फिर बोलिए कॉन्टेम्पो रेनियस नेस। नेस। मुश्किल शब्द था, पर तीन हिस्सों में बटा गया, ठीक है। ये जो शब्द है कॉन्टेम्पो, एक इटली देश है, अंग्रेज रहते थे इंग्लैंड में। ये जो इंग्लिश भाषा है ना, ये यूके की है, ठीक है, पर इसने कॉपी ले ली है। तो इटली से इटालियन शब्द उठाया गया है, इटालियन, यानी ये कॉन्टेम्पो शब्द एक इटली देश है, वहां से हमने उठाया है। कहां से उठाया है, इटली से। उसके साथ उसने जोड़ दिया हेनियसनेस। तो अपने दिमाग में उस चीज को आपने याद रखना है, जो यूके है, उठाया शब्द था इटालियन का कॉन्टेम्पो। इटली में कॉन्टेम्पो कहते हैं एक ही समय में, एक ही समय में,
में। तो इस तरीके से कोई भी डिफिकल्ट शब्द होगा उसको धीरे धीरे उसकी रिसर्च कीजिए आप। कोई भी इंग्लिश शब्द होगा उसकी रिसर्च करना है, उसको अभ्यास करना है। पहले सुनिए कॉन्टेम्पोरेनियसनेस, आप बोलिए कॉन्टेम्पोरेनियसनेस। हाँ, अगर मुश्किल आए तो दो या तीन समय उसको बांट दो, वो कुछ ना कुछ उसके आगे कुछ ना कुछ उसके पीछे है। जैसे नेस लगता है, ठीक है, तो उसके शब्द जैसे गुडनेस, ठीक, राइटनेस, तो ऐसे शब्द नेस के साथ होते हैं, नाउन्स में होते हैं। तो हर चीज को हमें समझना है, कोई भी भाषा मुश्किल नहीं होती सिर्फ अभ्यास के साथ। जब आपको पता होगा कि इसका मीनिंग ये है, समकालीनता, दो चीजें एक ही समान, मैं और आप। मेरा नाम विनोद कुमार है, ये है अश्विनी जी, ये है महेश कुमार जी, तो ये तीनों है जो हैं एक ही समय पे आए हैं। तो इसके लिए जो नाउन इस्तेमाल होगा समकालीनता, उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टेम्पोरेनियसनेस। बोलिए एक बार कॉन्टेम्पोरेनियसनेस, ठीक है। स्पेलिंग के लिए ध्यान रखो, पहले इसकी स्पेलिंग याद करो, कॉन्टेम्पो, कॉन्टेम्पो, CONTEMPO, कॉन्टेम्पो। बोलिए CONTEMPO, कॉन्टेम्पो। रेनियस, RANEOUS, बोलिए रेनियस, RANEOUS, रेनियस, नेस, NEWS, NEWS। तो अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिस, लिसन प्रैक्टिस, लिसन प्रैक्टिस, हम कोई भी शब्द सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।